अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज है 19 तारीख, ठीक है, और आज है 17वां रोज़ा। और आज हम लोग जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में, और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो हैं इनकी ताऊ की बेटी हैं, यानी कि मेरी ननद हैं, जिनके घर हम इफ्तार में जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और हम चारों लोग एक साथ हैं, सब लोग जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में, ठीक है जी। तो बस हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि ये ऑफिस से ही लेट हो गए थे, तो बस इफ्तार होने ही वाला है। हम लोग जस्ट 5 मिनट पहले ही वहाँ पर हम पहुँचे थे। तो जी माशाल्लाह से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं घर पे, और यहाँ इफ्तार भी अब हो गया है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, और इफ्तार था, इफ्तार के बाद खाने का भी अरेंजमेंट था। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और फिर देखिए यहाँ पर मगरिब की सब लोगों ने नमाज़ भी पढ़ी जमात में। तो पहले इफ्तार हुआ, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर सब खाना खाया। तो माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था, बढ़िया था, अल्लाह का शुक्र है। दोबारा से सारी रौनकें अल्लाह ताला ने लौटा दी हैं, माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो जी देखिए अब यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना। तो बस ये हमारी इफ्तार का ब्लॉग था, और जहाँ हम गए थे वहाँ मार्केट में भी हम लोग, फिर उनके घर से इफ्तार करने के बाद हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान हमें लेना था। तो कुछ मैंने यहाँ पर पर्स वगैरह देखे थे, क्योंकि मेरा पर्स है ना वो टूट गए हैं। मेरे पास 2-3 पर्स हैं, और फ्रेंड्स तीनों की जो है ना स्टेप इस टाइम टूटी हुई हैं। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बस अब मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर्स ले लूँ, लेकिन मुझे ना यहाँ पर पर्स पसंद नहीं आया। अक्सर मैं यहीं से लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मुझे पर्स एक भी यहाँ पसंद नहीं आया। उसके बाद देखिए हम गए फिर शूज़ की शॉप पे, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, वहाँ से हुमाम को शूज़ पहनाने थे। हुमाम ने अपने स्कूल के शूज़ पहने, और फिर ये जी यहाँ पर इन्होंने, इनके लिए, इनको ये स्लीपर पसंद आ रही थी, तो इन्होंने अपने लिए ये ईद के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लीपर भी लिए थे। तो यहाँ से हमने जो लेना था जूते वगैरह वो ले लिए हैं, और अब हम यहाँ से चल दिए हैं। तो जी अभी बज रहे हैं रात के, आई थिंक 9 बज रहे थे शायद, तो हम लोग यहाँ से आ रहे थे। तो रास्ते में बच्चों का प्रोग्राम बन गया कि अब हम लोगों को जो भी कपड़े वगैरह लेने हैं कपड़े भी ले ले रहे हैं, क्योंकि कुर्ते पजामे का तो इन लोगों का हो गया था, लेकिन कुछ टी शर्ट्स वगैरह इन लोगों को, पैंट वेंट जो थी, ट्राउज़र वगैरह वो लेने थे। तो हम लोग आ गए फिर वहाँ से मॉल, ठीक है ना, क्योंकि 8:30-9:30 के आसपास टाइम हो रहा था अभी। तो यहाँ हम लोग आ गए थे, सब कुछ 9:30 पे वैसे बंद हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर ना आधा ही घंटा मिला शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम खुद इतने लेट थे। लेकिन जो बच्चों को लेना था ना वो यहाँ से बच्चों ने ले लिया था। क्योंकि बच्चों के एक ईद वाले दिन के लिए तो इन लोगों ने जो है ना कुर्ते पजामे बनवा रखे हैं, फिर इन लोगों को कुछ टी शर्ट्स वगैरह भी लेनी थी। टी शर्ट, तो टी शर्ट्स के लिए ये लोग जो है यहाँ आए थे। और जी मैंने यहाँ पर ना अपने लिए कुछ कुर्ते वगैरह भी देखे, तो कुर्ते भी काफ़ी अच्छे थे, न्यू कलेक्शन था यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने जो है अभी कुर्ता नहीं लिया है, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं अपने लिए यहाँ से कुर्ते लूँगी, क्योंकि अभी जो मेन जो शॉपिंग है ना वो ईद की थी। तो लेकिन ये कॉटन के कुर्ते थे, अच्छे थे, डेली वेयर के हिसाब से बहुत अच्छे यहाँ पर मुझे ये लग रहे थे, कुछ कुर्ते पसंद आए थे। तो इंशाल्लाह मैं ईद के बाद जाऊँगी, फिर यहाँ से अपने लिए कुर्ते लेकर आऊँगी, क्योंकि नया कलेक्शन आया हुआ है समर का, पूरी न्यू यहाँ पर पूरी कलेक्शन लगी हुई थी। और यहाँ पर ये कुछ स्लीपर वगैरह भी थे अच्छे अच्छे तो जी यहाँ पर हमें करीब 1.25 घंटा लगा, क्योंकि मॉल बंद होने का टाइम हो रहा था। ये देखिए यहाँ पर हुमाम टी शर्ट ले रहे हैं, एज़ यूज़ुअल इनका जो है ना ब्लैक कलर की टी शर्ट इनकी हमेशा जो है ना फेवरेट रहती है। आप कोई भी कलर इसको दिखा दो, लेकिन नहीं, हुमाम साहब को ब्लैक और ब्लू के अलावा कुछ नहीं लेना। तो देखो ये अब्दुल मन्नान दिखा रहे थे कि देखो ये अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं, हुमाम साहब ने अपने लिए ब्लैक टी शर्ट सी ली, और अब भी देख रहे होंगे आप ये ब्लैक में ही हैं, क्योंकि ये ब्लैक और ब्लू के अलावा ना कभी कुछ पसंद ही नहीं करता है।
ठीक है, वो अपनी पसंद से लेता है बस। उसके बाद देखे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ क्रॉकरी वगैरह लगी हुई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने ईद के लिए यहाँ से कुछ क्रॉकरी ली। काफ़ी अच्छे यहाँ पर लेटेस्ट कुछ डिज़ाइन थे, यूनिक कुछ मुझे लग रहे थे, डिफरेंट से, क्योंकि ईद पे अच्छा लगता है ना कुछ न्यू न्यू से बर्तन घर पे होते हैं। तो बस यहाँ से थोड़े बहुत हमने बर्तन ख़रीद लिए थे जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि मॉल में भी अनाउंसमेंट हो रहा था कि बंद होने का टाइम हो रहा है, तो बस भागते भागते जो हमने लेना था वो लिया। तो यहाँ पर देखिए ये हुमाम साहब और अब्दुल मन्नान साहब अपने लिए पेन ले रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे इन लोगों को स्कूल जाना था नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बस यहाँ से देखिए जो हमने लेना था, थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली है, और बस अब हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे। और अभी बज रहे हैं करीब 10, निकलते निकलते मॉल से 10 बज गए थे क्योंकि थोड़ी 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 चीज़ें लेते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी हम लोग आ गए बाहर और माशाल्लाह से शॉपिंग हमारी हो गई है। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी कि यहाँ से हमने क्या क्या लिया हुआ है। और जी बस अब हम चलेंगे घर, और सुबह में बहुत जल्दी जगना है क्योंकि रमज़ान भी है, सहरी भी करनी है, प्लस बच्चों को ना कल स्कूल भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। तो जी अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 20 अप्रैल, और आज है मेरे बच्चों का स्कूल का फर्स्ट डे। हाँ जी माशाल्लाह से ये लोग जो है ना पूरे 2 साल बाद स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह जग चुके हैं और अभी बज रहे हैं 6, तो हुमाम साहब तैयार हो गए हैं, अब्दुल मन्नान साहब तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। तो आज इनका स्कूल का फर्स्ट डे है। तो बस ये है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला अब स्कूल खुल गए हैं, सब कुछ खुल गए हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, परवरदिगार तमाम सारे बच्चों की हिफाज़त करे स्कूल में, क्योंकि अभी जो भी सुनने में आता है, खबरें आ रही हैं, तो बस ये है कि लेकिन स्कूल तो भेजना पड़ेगा ना, 2 साल बाद जा रहे हैं ये लोग। और स्कूल्स तो खुल चुके थे लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना वो पूरे 2 साल बाद खुली है, तो इन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है स्कूल जाने की। तो जी अब मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए, बच्चे तैयार हो गए दोनों। तो आज मैंने इन लोगों को ब्रेड अंडा दिया था और साथ में दी थी लस्सी दोनों को, और काफ़ी टाइम बाद ये लोग इतनी जल्दी जगे हैं और इतनी जल्दी ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी 6:30 का टाइम हो रहा है लेकिन इन लोगों ने ना कुछ भी नहीं खाया था, बहुत थोड़ा थोड़ा खाया था बस, इन लोगों ने एक एक गिलास लस्सी पी थी साथ में, और ये लोग फिर चले गए थे स्कूल क्योंकि पूरा 2 साल हो गए, 2 साल बाद ये लोग इतनी जल्दी जग रहे हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, इतनी मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया जाता। तो बस इन लोगों का जो शेड्यूल था वो बिल्कुल चेंज हो रखा था इन 2 सालों में, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब कुछ नॉर्मल हो और सारे बच्चे अपने वही पुराने रूटीन पर दोबारा से लौट आएँ। तो जी यहाँ देखिए मैंने बना दिया है नाश्ता, तो मैंने अंडा बनाया था और ब्रेड सेकी थी साथ में लस्सी, और ये बनना है अब्दुल मन्नान का नाश्ता क्योंकि अब्दुल मन्नान जो है वो इसी तरीके से अंडा ब्रेड खाते हैं। और ये बन गई हमारी ठंडी ठंडी यहाँ पर लस्सी। तो जी यहाँ पर ही अब्दुल मन्नान साहब जो हैं इसके अंदर आइस क्यूब डाल रहे थे ठंडी ठंडी लस्सी के लिए। और अब ये बनना है हुमाम साहब का नाश्ता। हुमाम साहब हमारे जो हैं वो ब्रेड अलग सिकवाते हैं घी में और आमलेट अलग बनवाते हैं, वो तब नाश्ता करते हैं जी। दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों को अलग तरीके से मुझे नाश्ता बना के देना पड़ता है। तो जी नाश्ता हो गया है, बस अब ये लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं। और आज इन दोनों ने लंच भी नहीं लिया है क्योंकि पहला दिन है, कह रहा है मम्मा हम नहीं लंच ले जा रहे हैं, बस इन लोगों ने पानी रखा था। और अब ये लोग माशाल्लाह से स्कूल, इनके अब्बू और मैं आज हम दोनों ही साथ में गए थे क्योंकि सुबह सुबह में अच्छा लगता है घर से निकलना, हम लोग बहुत टाइम के बाद इस टाइम घर से निकल रहे थे, तो इसलिए मैं भी, और हम लोग गाड़ी से जा रहे थे तो इसलिए मैं भी इन लोगों के साथ चली गई। तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं, और इन लोगों की स्कूल की टाइमिंग थी 7:30,
ठीक है। तो बस जल्दी 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 हम लोग 7:30 तक हमें स्कूल पहुंचना था, तो हम लोग 7 बजे निकले और स्कूल भी इन लोगों का काफ़ी दूर है, करीब 15 से 20 मिनट 20-25 मिनट लग जाते हैं पूरे। और माशाल्लाह से दोनों जो है बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और ना हुमाम की तो अभी ड्रेस भी तैयार नहीं हुई है, मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हुमाम की ड्रेस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कम से कम हम लोग ना 4-5 टेलर की दुकान पर, यूनिफॉर्म शॉप पे गए, लेकिन कहीं भी ड्रेस तैयार नहीं हो पा रही है। सब लोग कह रहे हैं ईद के बाद, क्योंकि मसला क्या है कि इधर तो ईद की तैयारी चल रही है और उधर ये स्कूल्स खुल गए हैं, तो सब कुछ ना बहुत हौच-पौच हो गया है और समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से मैनेज होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो गया, हुमाम की ड्रेस बन गई है वैसे, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको ड्रेस मिल जाएगी। क्योंकि हमने जो है ना इनकी ड्रेस का कपड़ा लेके और कहीं आउट एरिया में हमने सिलवाया है, तो वहाँ इनकी ड्रेस तैयार हो रही है। अब्दुल मन्नान साहब तो अपनी ड्रेस में गए हैं, लेकिन अब्दुल मन्नान साहब ने जो है ना वो अपने हुमाम भाई की ड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि ड्रेस तो बनी नहीं पा रही है, तो हुमाम की ड्रेस जो थी वही ड्रेस अब्दुल मन्नान ने ऑल्टर करा के पहनी हुई है। और जी ये देखिए बच्चों का स्कूल, माशाल्लाह से दोनों एक स्कूल में है ये, और कितना खूबसूरत इनका स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत सी ये बिल्डिंग बनी हुई है एएमयू वालों की, बहुत ही बढ़िया, इतना सुकून मिलता है यहाँ पर इसको, इतनी ग्रीनरी है, काफ़ी बहुत बड़े एरिया में ये स्कूल बना हुआ है। तो जी बच्चों को हमने स्कूल ड्रॉप कर दिया था और अब हम घर के लिए लौट रहे थे। गर्मी बहुत हो गई है और फ्रिज का पानी पीने में ना मुझे ना बिल्कुल सूट नहीं करता है, और ख़ास तौर से जब से ये कोविड आया ना तो फ्रिज की तो आदत ही ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए हम लोग हर साल जो है ना यहाँ पर घड़ा ले लेते हैं, तो ये जो घड़ा होता है ना इसका पानी जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, ना बहुत ठंडा ना गर्म, जो हम लोगों को पीने की ज़रूरत होती है ना, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसी हिसाब से ये पानी होता है। तो हम लोग जो हैं 2-3 साल से गर्मियों में घड़ा ही यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी घड़े का यूज़ किया करें, फ्रिज का पानी आप बिल्कुल इग्नोर करें, फ्रिज में पानी ना पिएं फ्रिज का, ठीक है जी। आपको ठंडा पानी पीना है तो घड़े से पिएं। तो बस यहाँ से देखिए हमने ये घड़ा ले लिया है और अब हम जाएंगे घर। तो जी रूटीन जो है ना वो बहुत बिजी हो गया है, और क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं और साथ में स्कूल भी खुल गए, तो बस थोड़ा सा ना मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी लीजिए अब हो गया है शाम को इफ्तार का टाइम और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज है 20 अप्रैल, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जी मेरा जो है ना ये 2 दिन का व्लॉग है जो मैंने आपको दिया है, ये 19 अप्रैल और 20 अप्रैल का, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया एडिट करने का, तो इसलिए मैंने एक साथ ये दोनों व्लॉग आपको दे दिए। तो जी अब इफ्तार का टाइम है और अब यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ छोले, काले वाले जो छोले होते हैं ना चने, यहाँ पर वो तैयार कर रही हूँ मैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो आज मैं थक भी गई थी बहुत, तो मतलब काफ़ी 2-3 दिनों से बहुत भागम भाग हो रही है ना, क्योंकि बच्चों का पूरा कोर्स वगैरह लाना, ड्रेस शूज़ दुनिया मतलब सारा सामान अरेंज करना है, फिर रमज़ान भी साथ में चल रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ पर अभी मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी, देखिए मैंने ये हींग और ज़ीरा और ये प्याज, ये तीनों चीज़ें जो है ना मैंने ऑयल के अंदर यहाँ डाल दी हैं, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टमाटर बारीक कट करके, ठीक है। तो ये मैं जो ये छोले बनाती हूँ ना बहुत फास्ट वाला ये मेरा तरीका है, बहुत जल्दी जल्दी मैं ये छोले बनाती हूँ और बहुत मज़े के भी बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और चने तो उबले हुए मेरे फ्रिज में रखे हुए हैं, डीप फ्रीज़र में मैंने उबाल के रखे हुए हैं। मैंने ना काला चना, सफ़ेद चना और जो दाल वाले भल्ले होते हैं ना वो मैंने ये सब बना के फ्रिज में रखे हुए हैं, तो इससे जो ना मुझे आसानी बहुत हो जाती है। और माशाल्लाह से आप देखिए अभी ना 5 बज रहे हैं, मैं करेक्ट 5:10 पर अपनी किचन में गई थी और माशाल्लाह से मैंने काफ़ी चीज़ें तैयार कर ली थी बहुत जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और चाट मसाला, ठीक है जी। थोड़े थोड़े से मैंने यहाँ पर ये चारों चीज़ें डाल दी हैं, अब बस थोड़ा सा पानी डाल के हम ये जो मसाले हैं ना इनको हम भून लेंगे, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाले जो हैं वो नीचे लगे ना।
तो ये जो है हमारा मसाला देखिए भुनने लगा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे धनिया साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि गार्निशिंग तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी डिश का जो मेन हिस्सा होता है ना, वो होता है गार्निश करना। तो जी देखें, यहाँ पर मैंने ये प्याज भी कट करके रख ली है, और आज मैं बना रही हूँ प्याज की पकौड़े, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी सोचा कि मैं प्याज के पकोड़े ही बना दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। बस जल्दी से मैंने यहाँ पर दो प्याज जो है ना वो कट करके रख लिए हैं वॉश करके। और देखें जी, अब मैंने इसके अंदर डाल दिए ये चने, और इनको जो है ना बस मुझे 5 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी, और हमारे ब्लैक वाला जो चना है, छोले हैं, ये तैयार हो जाएंगे। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना, इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च, प्याज मैंने सब डाली हुई है। माशाल्लाह से हमारे छोले बनके तैयार हो गए। मुश्किल से ना मुझे इसमें 10 मिनट लगे ही है बनाने में, और हमारे छोले बन गए, ठीक है जी। अब ऊपर से डाल दे रहे हैं हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, इसको गार्निश करने के लिए। तो जी ये देखिए, हमारे काला चना तैयार है। और अभी मैं सेक ले रही हूँ पापड़। तो आज मैं सेकूंगी, ये ना हुमाम को बहुत पसंद है, तो ये हुमाम कह रहे थे मम्मा आज ना पापड़ सेकिएगा, या तो पापड़ या चुरी चिप्स या वो चुटुर पुटुर जो भी होता है अल्टरनेट डेज पे, ये जो है ना डेली ही सेकने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के ये फेवरेट है, आपको पता ही है। और हर घर में ये बच्चों के फेवरेट होते हैं, मेरे घर में नहीं, सबके घरों में ये बच्चों का फेवरेट होता है। तो मैंने सबसे पहले मैं पापड़ सेक ले रही हूँ, और ना पापड़ सेक के आप ना किसी एयर टाइट जार में रख दें, तो ये ना बिल्कुल नहीं सीलेंगे। आप इसको अफ्तार से 2 घंटे पहले भी सेकेंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं सीलेंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एयर टाइट जार में रख देती हूँ, इफ्तार के टाइम तक ना ये बिल्कुल क्रिस्पी बने रहते हैं, ठीक है जी। तो जी अब हम बना ले रहे हैं प्याज की पकौड़ियाँ, क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले ली थी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बस थोड़ा सा इतना रहता है ना कि बस स्पाइसी हो जाए, और डेली फ्राई में कुछ ना कुछ बनता है, तो बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा ही बना है। और माशाल्लाह से दस्तरखान पे इतनी बरकत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ भी बनाते हैं ना, तो वो भी इतनी हो जाती है कि इफ्तार के बाद ना वो बच जाती है। तो बस अल्लाह ताला की ये रहमत है, ये बरकत है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, तो जी बरकत तो होनी है। अब ये इसमें डाल दिया मैंने ये बेसन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये करीब 5 से 6 चम्मच बेसन डाल दिया था, करीब 6 चम्मच बेसन डाला है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चावल का आटा, ठीक है। अगर आपके पास है चावल का आटा तो आप यहाँ डाल दें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस चावल के आटे से क्या होता है ना कि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं ना वो बहुत क्रिस्पी बनती हैं। और आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ में देखा होगा, मैं चावल का आटा जो है वो सारी पकौड़ियों में यूज़ करती हूँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो ये गया नमक, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ठीक है जी, ये सारे मसाले डाल के। और लास्ट में मैंने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ठीक है ना। बस ये सारे मसाले डाल के और इसको हम एक थिक सा इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ पानी कभी ना डालें। आप जब भी बैटर बनाएं ना इस तरीके से, तो आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें। अगर एकदम हम ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, तो वो हमारा जो बैटर है ना वो बहुत गीला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। तो जी ये देखिए हमारा बन गया है बैटर, और कितना थिक बैटर बना है ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा ही मैं पानी शामिल कर रही हूँ ना इसमें। तो अब मैं इसकी सेक लूँगी यहाँ पे भजिए, है ना जी, प्याज के भजिए भी इनको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो पकौड़ा कहते हैं, पकौड़ी कहते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे इनको जो है ना भजिए भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने, और अब मैं इसके अंदर तल लूँगी अपनी ये प्याज की पकौड़ियाँ। तो जी बहुत आज का दिन जो था ना बहुत टफ़ था, बहुत टफ़ रूटीन था मेरा। और कल से ही, मतलब 2-3 दिन से ही मुझे इतनी थकान हो रही है कि बहुत ज़्यादा। एक तो मार्केट का रमज़ान भी चल रहा है साथ में, और मार्केट का आना जाना भी लगातार लगा हुआ है, बच्चों की कुछ ना कुछ तैयारियां हो रही हैं, और ईद की भी तैयारियाँ चल रही हैं, और बस ये इसी उसमें पूरा टाइम निकल जाता है सुबह से रात तक। तो यहाँ पर देखें ये हमारी जो है प्याज की पकौड़ियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं, बढ़िया से ये हमारी सिक चुकी हैं, ठीक है। तो बस अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे।
तो जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और या मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पकौड़े सेक गए हैं और ये मैं दूसरा बैच भी सेक लूँगी हाथ के हाथ। तो माशाल्लाह से अभी आज ना 18 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो 18 रोज़े हो चुके हैं, अब 12 रोज़े रह गए हैं बस, और ईद आने वाली है। रमज़ान अब बिल्कुल धीरे 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 रमज़ान का बिल्कुल अलविदा होने का टाइम आ चुका है, ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और जहाँ तक है आप लोगों के घरों में भी ईद की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। और फ्रेंड्स मैंने भी ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं माशाल्लाह थोड़ी 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 करके, और ना दिन में तो बिल्कुल निकलना नहीं हो पाता है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना, तो बिल्कुल नहीं जा पाते हैं हम लोग। तो जी देखें यहाँ पर छोले तैयार हैं, प्याज की पकौड़ियाँ तैयार हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जल्दी जल्दी मैंने दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। हाँ तो जी मैं कह रही थी ना ईद की तैयारियाँ आप लोगों की भी चल रही होंगी ना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारियाँ शुरू हुई हैं या अभी तक नहीं हुई। ठीक है जी, अब हम बना ले रहे हैं यहाँ पर चना चाट। तो देखें उसके लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद चना लिया था बॉईल किया हुआ, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिए दही और ये डाल दिए मैंने यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी, ठीक है ना। और फिर डाली है मैंने ये पुदीना और हरे धनिए की चटनी, और ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, और फिर गया इसके अंदर काला नमक, थोड़ी सी 1/4 चम्मच लाल मिर्चें, और 1/4 चम्मच ही मैंने डाला है चाट मसाला, और ये गई हरी मिर्चें, टमाटर और थोड़े से प्याज। तो ये फटाफट सी चाट बनती है, इंस्टेंट चाट है और बहुत मज़े की बनती है, आप ना इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आज ना मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने इसलिए चना चाट बनाई, फिर इससे चने निकाले और फटाफट से सारी चीज़ें डाल ली मैंने। तो ये यम्मी सी स्पाइसी सी बहुत चटकादेदार ये चना चाट बन गई है माशाल्लाह से हमारी, बहुत मज़े की लगती है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको भी हम गार्निश कर देंगे थोड़े से अनार के दानों के साथ, क्योंकि अब्दुल मन्नान जो है वो फ्रूट्स कट कर रहे हैं तो वो अनार कट कर रहे थे, मैंने यहाँ पर अनार लेके अनार डाल दिए हैं, ठीक है। और अब हम बना ले रहे हैं यहाँ पर दही भल्ले, ठीक है जी। तो ये मूंग की दाल के बड़े हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है कि मूंग की दाल के बड़े कैसे बनाएं। तो यहाँ पर ये मैंने आज मूंग की दाल के बड़े की आज मैं दही भल्ले बना रही हूँ। तो देखें ये यहाँ पर मैंने कटोरियाँ लगा दी हैं, और ना मुझे आज मोहल्ले में भी इफ्तारी बांटनी थी क्योंकि रमज़ान जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ घरों में इफ्तारी बंटवा दूँ, तो बस जल्दी जल्दी इसीलिए मैं यहाँ पर और जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि इफ्तार का टाइम बिल्कुल होने वाला है और अभी बज रहे हैं 6, तो फटाफट से फाइनल टच पर मेरा काम है वैसे। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पर दही डाल दी, ये मैंने खट्टी मीठी इमली वाली चटनी है ये डाल दी है, ये बड़े बहुत मज़े के तैयार होते हैं मूंग की दाल वाले जो बड़े होते हैं, और ये डाल दी है मैंने यहाँ पर हरी चटनी, माशाल्लाह से बहुत बढ़िया ये बड़े होते हैं। और इसकी रेसिपी ना मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर फुल रेसिपी मिलेगी, ठीक है जी। अब ये गया इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा मैंने पीस के रखा हुआ था, ये देखें भुना हुआ ज़ीरा डाल दे रहे हैं, चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्ची। तो हमारे जो हैं वो बिल्कुल ये दही भल्ले तैयार हो जाएंगे बढ़िया वाले मूंग की दाल के, ठीक है जी। इसको गार्निश कर दे रहे हैं हम थोड़ी सी लाल मिर्चों के साथ ताकि ये खूबसूरत से लगे, ठीक है ना, यम्मी यम्मी से ठंडे ठंडे हमारे दही भल्ले तैयार हैं। और जी अब है फाइनल काम, अब हम बना ये जो फ्रूट्स काट चुके हैं अब्दुल मन्नान ने फ्रूट्स काट चुके हैं एज यूज़ुअल। अब मैंने जो फ्रिज के अंदर ना ये कस्टर्ड बना के रखा हुआ था ये मैंने ना सुबह में ही बना के रख दिया था, बहुत चिल ठंडा ठंडा हो रहा है, बस अब मुझे ना मिक्सिंग करनी है। तो बस मैंने ये फ्रूट्स के अंदर डाल दिया है, बहुत ठंडा हो रहा है, फ्रूट्स भी ठंडे हो रहे हैं, कस्टर्ड भी बहुत ठंडा हो रहा है। तो जी हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है, और मुझे इतनी जल्दी जल्दी हो रही है ना क्योंकि अभी 6:10 हो रहे हैं, इफ्तार का टाइम बिल्कुल होने वाला है, और ना मुझे मोहल्ले में भी कुछ जगहों पे कुछ घरों में इफ्तारी बंटवानी थी आज। तो जी यहाँ पे देखिए ये मैंने जो है एक थाली बना दी है इफ्तारी की,
तो ये जल्दी से जो है अब्दुल मन्नान अभी जाएंगे, फटाफट से ये दे के आएंगे क्योंकि इफ्तार होने वाला है। बस बहुत कम टाइम रह गया, अभी 10 मिनट ही बाकी रह गए। कितना भी कोशिश जल्दी जल्दी कर लो ना, लेकिन फिर भी ना लेट हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी थाली लग चुकी है और बस अब मैं इसे भिजवाती हूँ और उसके बाद हम अपना दस्तरखान लगाएंगे। तो जी माशाल्लाह से ये देखिए हमारा दस्तरखान लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी आइए और बस आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।